जो इतने घृणाकारी मतलब आरोप हैं जी, मतलब शायद ही मतलब कोई अगर इंसान हो तो नहीं लगा सकता। अगर फुटेज में मैं कहीं दिख जाता हूँ तो आप दोषी हो। नहीं, प्रशासन से पहले आप मेरी कान पकड़ लो आनकिन। नमस्कार जी, मैं हूँ धर्म सोनीपत। आज पहुँचे हैं अंसावास गांव में, जहाँ पिछली वीडियो में आप लोगों ने देखा होगा कि सपना, अनूप और पिंकी का मैटर काफ़ी वायरल हो रहा है। पिंकी के और अनूप का जो चोट लगी हुई है और जो है हॉस्पिटल में एडमिट है, और उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं इस पर, सपना पे, उसके भाई पे और एक आदमी अन्य, और जो है गांव के मुखिया जो है विजय सरपंच साहब हैं उनके ऊपर। मामला आता है चोट मारने में कौन कौन थे, इन आरोप क्यों लगा रहे हैं बार बार एक ही आदमी का, जो है हमारे तीसरा चक्कर इस गांव में हो गया, सरपंच साहब के ऊपर टारगेट है, ये क्यों है, इसे राय लेंगे अभी। हाँ जी, नमस्कार जी। नमस्कार जी, सभी मीडिया सहकर्मियों को नमस्कार जी। ये प्रधान जी, जो है अनूप भी और ये पिंकी भी, आज जो रात ने सुबह के टाइम बता रहे 4 से 5 के बीच में वारदात हुई, उनके ऊपर चोट फेट लगी है। चोट फेट का मामला अलग है, लेकिन आपके ऊपर ये बहुत संगीन आरोप लगा रहे हैं, वो क्यों लगा रहे हैं? वो तो सर वो जाने उनकी मर्जी है, आरोप तो उन्होंने पहले भी 2-3-4 बार लगा दिए हैं, और वो मतलब उन पंचायत भी हुई है और उस पंचायत में आप भी थे, मतलब शायद सभी मीडिया वाले थे वहाँ, आप भी थे तो वहाँ मतलब पूरी पंचायत ने उनसे प्रूफ भी मांगे थे, और ये भी कहा था, मैंने भी कुछ खुद ने बोला था, एक भी आरोप मेरे पर सिद्ध कर दो, जो पंचायत जो गांव मेरे पर दंड करेगा मैं मतलब मानना घेटी आई मतलब मेरे काट दियो अगर कोई एक सबूत भी दे दें तो मेरे पर। लेकिन पता तो गांव वालों को भी है जी, आज सरपंच पर आरोप क्यों लगा रहे हैं, इसका एक कारण है जी। कारण ये है, ये चाहते हैं कि हम सपना को निकाल दें यहाँ से, सरपंच फेवर में मेरे पर भी नहीं जी, सपना की तरफ या कोई सच्चाई, सपना की तरफ भी छोड़ो आप, कोई भी इंसान गांव में सच्चाई बोल देता है तो इसके ऊपर ही आरोप लगा देते हैं, और आरोप भी नहीं जी, उसके साथ फोन के माध्यम से या निकलते हुए या कुछ भी ये भी कह देते हैं हम मतलब क्षेत्र भी लगवा देंगी। ये तो या तो पूरा गांव उनके कहने के बस में हो जाओ, या पूरा गांव नाजायज कर उसको ठीक बताएंगे वो। ठीक बताएंगे जी, ये कहानी मेरे साथ हो रही है जी। ये क्या चाह रहे हैं, ज़्यादा लंबी क्यों खर्चे जी, वह तो पंचायत वाले तो आपने देखी थी जो आरोप लगाया था, गंभीर आरोप था, उससे ज़्यादा आरोप गंभीर आरोप लगा रखे हैं, मैंने देखा है मीडिया को ऊपर जो यूट्यूब पर चला रखा है वो देखिए, खुद आरोप लगाए हैं, आरोप लगा रखे हैं जो इतने घृणाकारी मतलब आरोप हैं जी, मतलब शायद ही मतलब कोई अगर इंसान हो तो नहीं लगा सकता। अगर है चलो मान लेता हूँ आरोप लगाया सरपंच वहाँ था, वो ये बात पंचायत वाली बात है, अगर एक भी प्रूफ उनके कमरे लगे हुए हैं, अगर फुटेज में मैं कहीं दिख जाता हूँ तो आप दोषी हो। नहीं, प्रशासन से पहले आप मेरी कान पकड़ लो आनकिन, सबसे पहले मीडिया का काम है, अक्सर साहब यहाँ झूठ बोल रहे थे, आज आपकी मतलब ये फुटेज निकले आई। दूसरी बात ये है जी, 5 बजे का टाइम था, 5 बजे गांव में हमारे सब धन पशु रखते हैं, शहर नहीं है ये, तो हमारे यहाँ 4 बजे खड़े हो जाते हैं, 5 बजे तो हमारा आरती शुरू हो जाती है मंदिर में। बिल्कुल, 5 बजे तो भैंसों का दूध निकालने के लिए, उससे पहले 1 घंटा पहले तैयारी कर रहे हैं, कोई खड़ बिनोड़ा बाखर गिरेगा, कोई तूड़ा गिरेगा, कोई कुछ करेगा, तैयारी कर लेते हैं, 4 बजे ऑलमोस्ट आदमी उठ ले हैं। उसके बाद भी गांव का कोई भी आदमी उसके बाहर घर, गांव के बीच में घर है, वो घर भी देखे है उनका, ये तो है नहीं कहीं उजाड़ में है, 5 बजे का टाइम बता रहे हैं वो, 5 बजे कोई भी गाँव का आदमी अगर ये कह दे सरपंच हमने इस गाड़ में भी देखा था, एक हमारी दुकान है, मेरे भाई की दुकान है, मतलब उससे आगे तो मेरा कोई जाने का मतलब भी नहीं है किसी तरह भी, अगर सपना ने फोन कर दिया पुलिस आ रही है तो ही जाता हूँ, क्यों मुझे भी इस चीज़ का डर है, पहले से भी डर है, अगर भाई ये आरोप लगा सकते हैं बेशरम आदमी है, ये इनका आरोप लगाने से कोई मतलब वो नहीं है कि ये मतलब कोई दिक्कत हो जाए, तो भाई साहब कहने का मतलब ये है अगर एक भी आरोप अगर सिद्ध कर दें, प्रशासन है, प्रशासन इंक्वायरी करे, आराम से इंक्वायरी करो, रही बात जी प्रशासन को पता है कैसे आदमी है, और प्रशासन यही पता सरपंच कैसा आदमी है, एक सपना को निकालने की ये पूरा जोर लगा रहे हैं, क्यों ऐसा नहीं हो सकता, मान ले कोर्ट का फैसला सालों साल बाद आएगा, सब जानते हैं ये बात को, मतलब है गांव राम इकट्ठा होकर ना कुछ रैन बसेरा उसको 10-20-50 का दिए जा, रैन बसेरा 1-2 कमरे का हो जाए और इनकी राड खत्म हो जाए, दूर दूर रहना हो जाए, ऐसा नहीं हो जाए कुछ। 3 बार पंचायत हो ली जी इस विषय में, पहले पंचायत में आया 5,000 रुपया ये उठ के गया था, 2 बुर्गियों शायद 5,000 रुपया ऐसे उठ के गया था, फिर यो इसने बंद कर दिया देना, फिर उस गेहूं से 5,000 से सपना की छत तो नहीं हो पाओगी। हाँ, छत तो नहीं हो पाएगी, वो तो खाने के लिए मकान दिया था, जो सपना जो मकान रह रही है ले रही है ना, ये मकान दिया था, ये बोला था कि तीसरे हिस्से की जमीन
बोने के लिए दे दूंगा, नाम तो कराऊंगा ये, मतलब पंचायत में नाम नहीं कराना भाई, तुम नाम लड़के के अपने लीगल कार्रवाई चली जाएगी। कभी भी जवान होगा जब इसके 18 साल के होने के बाद या 21 साल के होने के बाद इसकी चली जाएगी। और उसके बीच में तू लड़के की पढ़ाई और 2000 रुपये 5000 रुपये और 2 बोरियों इसको देता रहे, और ये मकान में इसने रहने दे। ये हुई थी, इसने ये देने से मना कर दिया, वो खेती खाती भी बोल ली थी और की। उसके बाद में सपना दोबारा फिर पंचायत करिए, पंचायत में कोई नहीं आया। पंचायत में ना आने से वो मतलब डिसमिस हो गया, मैटर डिसमिस हो गया। पंचायत में नहीं आया तो मैटर डिसमिस हो गया, पता नहीं आया होगा। तो उसके बाद में यानी लड़ाई दंगा, ये मतलब रोज का काम है इनका, तो डेली का काम है आज का थोड़ी, 5 साल से इनका ये काम। इसका एक छोटा सवाल और आता है जी, क्योंकि हमारे पास में बीच में अपना तो सपना है और न जो है ये अनूप है, न कोई परिवार का है, क्योंकि उनके पिताजी भी करीब 60 साल उम्र होगी, होगी बच्चे की शादी होगी, तो मान ले दे कर नहीं, वो एक मकान होगा उनके सारे बीच में, उनके बाप के पास में, दोनों भाइयों के पास में, तो मान लो उतराड़ खत्म ना होती इनकी, उन्हें बेच कर ना कुछ पैसे इनके डिवाइड हो जाए या अलग अलग हो जाए, कुछ समाधान हो उसके हिसाब, मान लो आप गाँव के मुखिया हो भाई साहब, नहीं हो सकता इनका, इनका समाधान कहाँ होता है जी, जहाँ ईमानदारी होती है वहाँ समाधान होता है, जहाँ बेईमानी पनप जाती है ना वहाँ मतलब कोई समाधान नहीं है। बेईमानी का कोई समाधान आज तक हो तो बता दो कहीं भी, बेईमानी का कोई समाधान नहीं है, मतलब बेईमान टाइप में चल रहे हैं, मतलब इनका कोई समाधान ना तो प्रशासन कर सके ना इनका गांव कर सके जी। इनका घर का इन रहन बसेरे का के समाधान होगा ही, कुछ बैठ के बात चर्चा हुई हो गाँव में प्रशासन के द्वारा, जो किसी से साफ मुठ से बातें नहीं करता जी, कोई जाते है ना, उस टाइम तो मैं नहीं था गांव के, मतलब 5-6 मौजूद आदमी थे, जैसे सबर सरपंच था, एक उसका पोता था, दो तीन गांव के मुख्य मुख्य आदमी थे, इनका कंप्रोमाइज करने के लिए सपना को लेके गए थे वहाँ, तो उनके हाथ ही मार पिटाई करी इन्हें, उनका भी मतलब कुर्ता करता पाड़ा है, जो एक जो वहाँ रोड के ऊपर घर है ना वहाँ गए थे, घर जाते वो भी मतलब वहाँ से बजाए हैं, और इनका कपड़ा मतलब पाड़ा है, अच्छा इनका गामा हुआ है, तो इनका ऐसे ही चल रहा है जी, इनका कोई समाधान नहीं है। और फिर एक और मारा आपके पास में, मैं आने का मकसद यही है जी, क्योंकि आपका जो आरोप लगा रहे हैं, आपके पास बच्चे कितने हैं, कितने बड़े बड़े हो गए प्रधान जी? मेरी बड़ा लड़का है जी, वो आर्मी में है, उसे छोटी लड़की उसकी शादी कर दी मैंने, और उससे छोटी लड़की मेरी 17 साल की यहाँ है। जब लड़का आर्मी में है, छोटी बेटी की शादी कर दी है, तो ये सपना तो सही माने देखे तो कुछ साल 2 साल का अंतर तो कह नहीं सकते, बाकी बच्चा कितनी उम्र की है? तो सपना मेरे बेटी के समान है जी, मतलब मान अगर ईमान धर्म की बात हो वो तो है ही जी बेटी के समान, नहीं तो गांव को पता थोड़ी चल जाता है, मेरा साथ थोड़ी देता है। गांव एक ऐसी चीज होती है जी, गांव राम होता है, गांव राम बहुत बड़ी ताकत है, बहुत बड़ी ताकत है, अगर गाल में लग रहा है तो गांव राम ये बता देगा यहाँ से गलत है ठीक है, तो ये तो मतलब सबूत देने की जरूरत, गांव के सामने देने की जरूरत है। रही प्रशासन की बात, अगर प्रशासन अच्छी तरह से ईमानदारी से इंक्वायरी करेगा तो जो पीछे पंचायत हुई थी उसी तरह इनका वो पिछले पंचायत वाला याद होना है जी। क्योंकि देखो बेटी दी शादी कर दी, कल को लड़का भी देखेगा, उनके परिवार में मतलब रिश्तेदारी में कोई यार दोस्त देखेगा, ये संगीन आरोप लगा रहे हैं, ये हमारे हिसाब से अगर सिद्ध नहीं कर पाते हैं तो अच्छी बात नहीं है। अच्छी क्या है जी, मतलब सही मानो तो अगर मैं इज्जत हो ना मेरे थोड़ी घनी तो मैंने डूब के मर जाना चाहिए, तू मेरे दामाद है, मेरे लड़के की रिश्ता कर रखा है, यहाँ सरपंच का एक रखा है बल कर, तो वहाँ भी कितना असर जाता है, मेरी पुत्र वधु है, मेरे मतलब पूरा बड़ा भरा परिवार है, मतलब 57 आदमी मेरे परिवार में, पोता भी हो रहा है जी मेरे, मतलब 3-2 भाइयों का पोता पोती हो रहे हैं जी, तो मतलब वो भी शाना हो रहे हैं, मेरी पोती भी है ना, वो भी कम से कम उसकी 12-13 साल की है, तो असर तो 12-13 साल का आज का दिन बालक सारे समझने लग जाए जी, तो इनने तो आपकी तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ रखी जी। क्योंकि उन्होंने एलिगेशन लगाने में हमारे हिसाब से कमी कोई नहीं है, अगर सिद्ध नहीं कर पाए तो ये बहुत बड़ी बेगुनाही है, क्योंकि गांव के मुखिया के ऊपर और जिसके बच्चे इतने बड़े बड़े हो गए हों उस सपना के बराबर जिसके ऊपर ये एलिगेशन लगा रहे हैं, और आज और भी संगीन लगाए हैं, क्योंकि बताया गया कि पिंकी को ले जाके वो जो सपना की भाभी भी और सपना भी और जो सरपंच साहब एक कमरे में ले जाकर उनको नंगे करके पीटा गया है, और बेशर्मी से बदतमीज से और भी उन्होंने कुछ बोला हुआ है जो हम असभ्यता से ये शब्द नहीं बोल सकते जो वो आरोप लगाए हैं, क्योंकि कुछ दिन मामला ठंडा होने के बाद में ये भी चीज़ जो सरपंच साहब ये सिद्ध कर पाएंगे तो वो दोष लगाए हुए सिद्ध नहीं करे तो शायद पिछला मामला ऐसे ही फिर सामने उनके खड़ा होएगा। हाँ जी, हाँ ये है जी, शाम मान आने का मुकदमा करूँगा, पिछली बार तो गांव का मतलब मौजूद आदमी होने के नाते भाई गाँव वासियों ने मतलब बोल दिया, अगर भाई ठीक है मीडिया के सामने माफ़ी मांग ली
तो इसलिए रहने दे, मतलब गांव में बसदार है, यहाँ अपने लिए अच्छा नहीं है थोड़ा, लेकिन अब मैं रुकने वाला नहीं हूँ जी, मैं लीगल कार्रवाई करूँगा, प्रशासन से गुहार लगाऊंगा, और जो आज जो आरोप लगाए हैं सिद्ध करूँगा कि मैं निर्दोष हूँ। और सिद्ध भी ऐसे है जी, इनका खुद का CCTV कैमरा लगा है, पहले बता दूंगा, उसमें फुटेज कोई गवाह गांव का एक आदमी भी ये कह दे, 5 बजे का टाइम है, 5 बजे गाल भरी चलन लाए जाए जी, मंदिर भी उसी रास्ते पर है हमारा, आपके घर से अरुण के घर तक रास्ते में और भी फुटेज कैमरे होंगे रास्ते बीच में? नहीं, और तो नहीं है जी, और फुटेज कैमरे नहीं है, वो उनके हैं। अच्छा, इसमें जो है सपना ही में जो घर पर झगड़ा हो रहा था, उस घर में फिलहाल सपना है, कौन रह रहा अभी? अब तो आज तो सपना रह रही है जी, कल वो निकाल दी थी, और रात को उनका झगड़ा झगड़ा हो गया, अब सपना रह गया वहाँ। हाँ जी, आगे ही कार्रवाई, जो उनको तलाक का चल रहा है वो तो सबको ही पता है, लेकिन ताज़ा मामला तो मारपीट हुआ ना, आपके एलिगेशन लग गया है, अगर उनकी बात सुनकर न हम लोग वीडियो वायरल कर देते, सरपंच साहब के बेगुना जो बेगुनाई की इनकी बात नहीं लेते, तो शायद इनके चरित्र पर बहुत ज़्यादा दाग लग रहा होता है, और सगे संबंधी गोतनातियों में बहुत बड़ा जो है असर जाता है नेगेटिव। इसमें सरपंच साहब आप लोग और कुछ क्या कहना चाहोगे, जो है जो उनको आने के बाद में मानस इकट्ठे करोगे, क्या करोगे? नहीं जी, अब मैं आदमी इकट्ठे नहीं करूँगा, पहले तो प्रशासन से मतलब जो मेरी कार्रवाई है वो करूँगा, फिर प्रशासन से कहूँगा भाई निष्पक्ष जाँच हो इसकी, फुटेज वगैरह वगैरह लेके जो भी सबूत है निष्पक्ष जाँच होनी चाहिए। निष्पक्ष जाँच के मैं अगर मैं दोषी नहीं हूँ तो जी उनको प्रमाण आने का मुकदमा डालूंगा, पिछली जो उनने बोला था उसके बारे में डालूंगा, और जो इन आज बयान दिए इनके बारे में भी मुकदमा डालूंगा। पिछली बारी पंचायत हुई हम मौके बैठे थे और उन्होंने माफीनामा साबित करा था। हाँ, माफीनामा तो बोल दिया जी, लेकिन फुटेज तो है मीडिया के सामने, तो उससे भी होगी, वो तो आज उन्होंने फिर बोल दिया, अगर ये फिर आरोप नहीं लगाते तो भाईचारे थे या मतलब किसी तरह से भी कोई बात नहीं, कार्रवाई होती, FIR तो मैंने लगवा रखी है धन में, उसी दिन लगवा दी थी, उस पर लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई है, लेकिन अब सीधी कोर्ट से कार्रवाई करूँगा मैं। फिर ये बार बार ये आपका टारगेट क्यों ले रहे हैं, जो यो सरपंच साहब हमारे परेशान कर रहे हैं, सरपंच साहब उनकी ये कर रहे हैं, वो आपके ऊपर फोकस क्यों डाल रहे हैं सारा? वो तो सर आप मीडिया वालों ने पता है क्यों डाल रहे हैं, और मतलब गांव में पता है, ये जो चाह रहे हैं कि हम सरपंच पीछे हट जाए, इसको सपना को काट दें, और पीछे हटने में तो मैटर इतना जी, मैं तो सच्चाई को सच्चाई बोलता हूँ, सच्चाई है उसको बोलता हूँ, मतलब जो आदमी पंच होता है जी उसको सच्चाई बोलने का धर्म भी है, अगर वो मतलब अधर्म के पक्ष में खड़ा जाता हो जाता है तो वो एक प्रतिनिधि नहीं होता जी। आपके गांव में प्रधान जी कितनी वोट होंगी अभी यहाँ? 1500 करीब है जी। 1500 वोट, 1500 वोटों में मतलब ये गांव का जो है मंच आपके हाथ में सौंप रखा है, और जायज़ काम करने के लिए ही, जायज़ काम करने में अगर आपके ऊपर बुराई है तो 100 बार आए। नहीं, बुराई नहीं जी, मेरी 7वीं साल चल रही है ये, तो 5-7 साल से पहले मेरे थाने के में गाँव की कोई FIR नहीं हुई है, 2-3 साल से इन्हें करी है ये, इनकी बजाय गांव में मतलब कोई FIR नहीं, हमने गांव में ही बैठ के समझौता किया है, ये थाने में रिकॉर्ड है, आप जाके देख लो कहीं भी। और कहने की बात ये है दूसरी, आके जो ये आरोप लगाए हैं पूरा गांव ने ये पता है, कितने झूठे आरोप लगा रहे हैं, मतलब कितने गिरे हुए आदमी हैं ये, अगर मतलब एक जो जिसका पोता पोती हो रहा है, बेटी की शादी कर दी, बेटा का रिश्ता कर रखा है, वो काम कर सके जो, और कौन सा पद पर है, चलो मार पिटाई चट्टू की आपस में कोई कहानी हो जाए जी हो जाएगा, ये तो बहुत बड़ा संगीन सिस्टम है, अगर इज्जतदार आदमी है जो गांव में मैं जहाँ बैठाया हूँ उन हिसाब से तो मतलब मेरे को फांसी खा लेनी चाहिए अगर मैं यहाँ दोषी हूँ तो। ये सरपंच साहब के बयान है जी जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में बताना कि सरपंच साहब ठीक है या वो ठीक है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, आपके कमेंट की हमें बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि इस मामले में मीडिया का जस्टिस जनता ही है, आप लोग ही हैं, सही और गलत को आप लोग जानते हैं, सही क्या है गलत क्या है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताते रहना, धन्यवाद।